हे hey दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोटोरोला के G40 एंड G60 स्मार्टफोन के बारे में। ये दोनों स्मार्टफोन आपको काफ़ी तगड़ी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं विथ बजट सेगमेंट के संग, यानी कि ये दोस्तों स्मार्टफोन आपको 20,000 रुपीज़ के अंडर देखने को मिलने वाले हैं। एंड ये दोनों स्मार्टफोन काफ़ी तगड़ी आपको परफॉर्मेंस देंगे। एंड ये दोनों स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के संग आते हैं, यानी कि दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिलने वाला है। इससे पहले मोटोरोला ने अपना मोटोरोला G5G स्मार्टफोन लॉन्च करा था, जो कि आपको 20,000 रुपए का देखने को मिला था। बट दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 20,000 रुपए के अंडर ही देखने को मिलने वाला है, वो भी 5G कनेक्टिविटी के संग। और ये स्मार्टफोन सीधा कॉम्पिटिट करने वाला है रियलमी और रेडमी के स्मार्टफोन, क्योंकि इससे पहले रेडमी ने अपना नोट 10 का स्मार्टफोन लॉन्च करा था एंड रियलमी ने अपना रियलमी 8 सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च करा था। दोनों स्मार्टफोन 5G से काफी सस्ते प्राइस में आपको देखने को मिल लेते हैं और ये स्मार्टफोन सीधा उन दोनों स्मार्टफोन को कॉम्पिटिट करने वाला है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में इन तक देखते रहिएगा। तो चलो दोस्तों, आज की इस फंटास्टिक वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि परफॉर्मेंस ही हर स्मार्टफोन का मेन फैक्टर होता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको मिलने वाला है क्वालकॉम का लेटेस्ट चिपसेट, जिसका नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G। ये चिपसेट इससे पहले आपको पोको X3 एंड रेडमी की नोट 10 सीरीज में आपको देखने को मिला था। तो परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। और ये चिपसेट आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, मोटोरोला G40 एंड मोटोरोला G60 में। एंड इसके बाद ये स्मार्टफोन थर्ड ऐसा स्मार्टफोन बन जाएगा इंडिया में जिसमें कि आपको ये चिपसेट देखने को मिल रहा है। एंड परफॉर्मेंस के संग अगर आपको तगड़ी बैटरी देखने को मिले तो आपको और क्या चाहिए। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको मिलने वाली 6000mAh की एक मैसिव बैटरी, जो कि स्मार्टफोन को और भी तगड़ा बना देती है। एंड इस स्मार्टफोन के संग आपको 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। एंड दोस्तों बात करते हैं इसके डिज़ाइन और कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों आपको मोटोरोला G60 में एक ग्लासी ग्रे कलर का डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। एंड दोस्तों ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगा है। एंड कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है विद प्राइमरी लेंस 108MP का मोटोरोला G60 में। एंड मोटोरोला G40 की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे 64MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिलने वाला है, जो कि सिमिलर होगा रेडमी की नोट 10 सीरीज। एंड साथ ही में आपको फ्रंट साइड में 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। सो कैमरा वाइज आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। एंड अगर आपको 108MP का कैमरा पसंद है तो आप प्रीफर कर सकते हैं मोटोरोला G60 में। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं चलता हूँ फ्रंट साइड में, तो आपको यहाँ पे 6.8 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एक IPS LCD पैनल देखने को मिलने वाला है विथ 120Hz तक की रिफ्रेश रेट के संग। बट दोस्तों मैं यहाँ पे मोटोरोला से थोड़ा निराश हूँ, क्योंकि उसको यहाँ पर सुपर AMOLED पैनल देना चाहिए। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं मोटोरोला G60 स्मार्टफोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में, जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पे 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा, स्लाइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिलेगा एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको और भी देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मोटोरोला के स्मार्टफोन के साथ हमें हमेशा स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको इसमें एंड्रॉयड 11 के संग स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के लॉन्च डेट, प्राइस और वेरिएंट के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन आपको 4/64 एंड 6/128GB स्टोरेज वाले सेट के संग आपको ऑनलाइन स्टोरेज पे देखने को मिलने वाले हैं। एंड वही दोस्तों इन दोनों की लॉन्च डेट के बारे में बात कर ले तो ये दोनों स्मार्टफोन आपको 20 अप्रैल 2021 को इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, यानी कि कल ये दोनों स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। एंड दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में बात करें तो लीक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों जो मोटोरोला G40 है वो आपको 15,000 से लेकर 17,000 के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड वही मोटोरोला G60 की बात करें तो दोस्तों लीक्स के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन आपको 16,000 से लेकर 20,000 के अंडर आपको ये दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। एंड दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि मेरी वीडियोस की व्यूज़ काफ़ी डाउन चल रही है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को ग्रोथ करने में मदद करिए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।